मैं पिछले वीडियो में 13.1 कंप्लीट कर दी थी, आज मैं 13.2 बताने जा रही हूँ। 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन। एक सॉलिड है जो कोन के शेप का है, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फीयर स्फीयर पे रखा हुआ है विथ बोथ, यानी क्या कहते हैं, कोन और हेमिस्फीयर दोनों का रेडियस क्या दिया हुआ है, बराबर है, जो 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हाइट क्या दिया हुआ है कोन का, वो इक्वल है रेडियस के इक्वल है। तो क्या करना है, फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है उस सॉलिड का, किसके टर्म में, पाई के टर्म में, यानी पाई का वैल्यू नहीं डालेंगे, पाई के फॉर्म में ही इसको निकालना है। तो इस क्वेश्चन को बनाती हूँ। देखो, क्वेश्चन फर्स्ट क्या दिया हुआ है, रेडियस इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ रेडियस दोनों का रेडियस सेम हो गया। देखो फिगर अगर मैं बनाऊँ तो एक पहले अगर हेमिस्फीयर बना देती हूँ तो एक हेमिस्फीयर है ये, ठीक है, और उस हेमिस्फीयर पे क्या है, कोन बना हुआ है, यही फिगर बनेगा, कोन है और एक हेमिस्फीयर है, जिसमें कह रहा है कि रेडियस जो दे दिया है, दोनों का रेडियस कितना है, 1 सेंटीमीटर, और उतना ही क्या है इसका हाइट भी है, कोन का हाइट भी क्या दे दिया है, 1 सेंटीमीटर, और रेडियस भी क्या दे दिया है, 1 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ कोन क्या दे दिया है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हेमिस्फीयर का वॉल्यूम और कोन का वॉल्यूम दोनों का वॉल्यूम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो सॉलिड का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, निकालने के लिए क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 πr²h प्लस इसका क्या हो जाएगा, हेमी है तो हाफ, तो 2/3 πr³। अब देखो पाई के फॉर्म में निकालना है तो कॉमन कर लेती हूँ, कॉमन करूँगी तो क्या कहते हैं, 1/3 πr² कॉमन कर ली तो यहाँ पे आ गया h प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2/3 r, ये बचेगा कॉमन करने के बाद। अब इसको सॉल्व करती हूँ, नहीं सॉरी, इसका तो 3 कॉमन कर ली तो 2 से 2 r बचेगा, क्योंकि 1/3 भी कॉमन किए ना, तो अब यहाँ से 1/3 × π को तो चेंज करूँगी नहीं, 1 r का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, यहाँ भी h का वैल्यू 1 दिया हुआ है प्लस 2 × 1, तो इसको करूँगी 1/3 × π × 3, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या आ गया सिर्फ इसका आंसर, पाई। सेंटीमीटर में दिया था सेंटीमीटर, वॉल्यूम निकालना है तो क्यूब, सिंपल सा क्वेश्चन था, बन गया, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन 2 की तरफ चल रही हूँ। देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, 2 में क्वेश्चन में क्या क्या आ रहा है कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जो एक मॉडल बनाया है, वो कैसा शेप है, जस्ट लाइक है, इसमें पहले एक सिलेंड्रिकल है, ठीक है, सिलेंडर के शेप में है, और उसके दोनों कॉर्नर पे क्या अटैच है, एक कोन अटैच है, दोनों साइड सिलेंडर के दोनों साइड कोन है, दोनों एंड पे कोन है, एल्युमिनियम शीट का बना हुआ है जिसका डायमीटर क्या दिया हुआ है, डायमीटर दे दिया 3 सेंटीमीटर, तो सिलेंडर का भी डायमीटर 3 सेंटीमीटर हो जाएगा और कोन का भी डायमीटर 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, और टोटल लेंथ क्या दे दिया है, उस जो मॉडल है उस मॉडल का टोटल लेंथ कितना दे दिया है, 12 सेंटीमीटर, और कह रहा हाइट ऑफ कोन, ईच कोन,
यानी दोनों कोन जो दोनों इंड पे दोनों कोन जो बना हुआ है उस दोनों कोन का हाइट दे दिया 2 सेंटीमीटर। यही है क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कंटेनिंग ऑफ द मॉडल, मतलब इसको मॉडल का जो है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग देख लिए, इस क्वेश्चन का मैं फिगर बना के इसे बताती हूँ। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले एक सिलेंडर है, तो एक सिलेंडर बना लेती हूँ सिंपल सा कि एक सिलेंडर है, डायमीटर दे दिया है 3 सेंटीमीटर, यहाँ भी से भी क्या होगा 3 सेंटीमीटर। इस दोनों पे एक कोन बना हुआ है, दोनों साइड एक कोन बना हुआ है, यही होगा। इस कोन का हाइट दे दिया है, कोन का हाइट दे दिया है कितना 2 सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर में ही है, ये भी क्या है 2 सेंटीमीटर, और टोटल हाइट दे दिया है, टोटल हाइट दे दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यही क्वेश्चन है, कोन का हाइट दे दिया 2 सेंटीमीटर, इस कोन का भी हाइट दे दिया 2 सेंटीमीटर, डायमीटर दे दिया 3, डायमीटर यहाँ पे 3 है, और टोटल हाइट दे दिया है 12। तो हाइट ऑफ सिलेंडर निकाल लेंगे, ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर निकालने के लिए क्या होगा, टोटल हाइट कितना है 12, 12 में से इधर भी 2, यानी 4 को माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो रेडियस तो दोनों का सेम ही है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर दिया हुआ 3, तो रेडियस हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। मैं डायरेक्ट लिख दी हूँ क्योंकि डायमीटर का आधा होगा, डायमीटर 3 है तो 3 का हाफ कर देंगे तो 1.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस तो सबके लिए सेम ही हो जाएगा, जो कोन के लिए होगा वही सिलेंडर के लिए भी हो जाएगा। ठीक है, अब वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फाइंड करना है, सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करना है, तो दो कोन का वॉल्यूम और प्लस एक सिलेंडर का वॉल्यूम को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा, निकल जाएगा। तो इसको निकालते हैं, देखो यही बोल रहा क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन दी मॉडल कितना वॉल्यूम लेगा, तो यहाँ पर निकल जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, ये निकलेगा। चल इसको सॉफ्ट इसको पहले डाल देती हूँ, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस इसका हो जाता है 1, लेकिन 2 भी है पहले से, तो 2 इंटू 1 बाई 3 पाई आर स्क्वायर एच। ये एच जो है इसका एच, ये सिलेंडर का एच है और ये कोन का, तो यहाँ पे हाइट ऑफ कोन भी दे दिया है, हाइट ऑफ कोन तो दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है कोन ऑफ, हाइट ऑफ कोन। तो अब यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, लिख सकते हैं 22/7 इंटू आर का वैल्यू 1.5 इंटू 1.5 और एच का वैल्यू दे दिया है 8 है प्लस इधर हो जाएगा 2 इंटू 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू 1.5 इंटू 1.5 इंटू एच का वैल्यू 2। देखो इसको ऐसे भी कर सकते, इसमें से कुछ कॉमन करके भी बना सकते, 1/2 ये कॉमन कर लेते, आर को कॉमन कर लेते पहले ही कॉमन कर लेना चाहिए था, इंटू 1.5 इंटू 1.5 ये कॉमन हो गया, अब कुछ नहीं कॉमन होगा, इधर बचे 8 प्लस इधर बच गया 2/3 इंटू 2 यही बचेगा, यही बचेगा। आगे इसको सॉल्व कर रही हूँ, तो आगे सॉल्व कर रही हूँ, देखो इसके आगे कैसे सॉल्व कर रही हूँ,
इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ, पहले यहीं पर देखो कुछ कर लेती हूँ। तो यहाँ से पॉइंट उड़ाई, यहाँ से पॉइंट उड़ाई, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ सॉल्व करूँगी तो ऐसे आ जाएगा 22/7 इंटू 10 इंटू 10, ये आएगा 8, ये हो जाएगा 4/3, इसको प्लस 4/3। एक लाइन और सॉल्व कर देती हूँ, थ्री 24 यानी 28, ये आ गया, ठीक है। अब देखो इंटू में 4 बार में कटा, 3 बार में कटा, 5 बार में कटा, 3 बार में कटा, 5 बार में कटा, जा 2 बार में कटा, सॉरी यहाँ भी 2 बार में कटा, ये 2 बार में, ये 2, ये 2, ये 2 खत्म, ये 3, ये 3 कट गया, एक 3 बचा हुआ है, एक 3 को 6 से 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 आ जाएगा। देखो ये एक 3 बचा हुआ है और ये 22 है, 66 सेंटीमीटर, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है कि एक गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ द वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम का वो 30% ऑब्जर्व कर लेता है, जितना वॉल्यूम क्या कहते हैं उस सिरप का उसका 30% वो ऑब्जर्व कर लेता है। कह रहा फाइन अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, यानी टोटल कितना गुलाब जामुन है, 45 गुलाब जामुन है, वो कितना है, मतलब वॉल्यूम ये लेगा, अप्रॉक्सीमेटली में बताना है। उसमें क्या कह रहा है कि फिर ईच सिरप का शेप वगैरह दे दिया है, कैसा है, किस शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप में है, दोनों इंड पे क्या है, दोनों इंड पे एक हेमीस्फीयर है, और लेंथ उसका सिरप का क्या दे दिया है, 5 सेंटीमीटर, यानी टोटल पूरा लेंथ दे दिया 5 सेंटीमीटर, और डायमीटर दे दिया है दोनों साइड, दोनों में जो हेमीस्फीयर है उसका डायमीटर दे दिया है 2.4। क्वेश्चन ये है, अब इसको बनाने जा रही हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 3, एक बीच में ये है, दोनों साइड हेमीस्फीयर है, ये क्वेश्चन में टोटल हाइट दे दिया है 5 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर दे दिया है 2.8 सेंटीमीटर, जो डायमीटर इसका हेमीस्फीयर को होगा वही डायमीटर सिलेंडर का भी होगा। देखो तो डायमीटर सेम हो जाएगा, तो डायमीटर कितना दे दिया 2.8 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर, ये हो गया हाइट ऑफ सिलेंडर। निकाल देते 5 में से माइनस करेंगे, इस साइड भी 1.4, इस साइड भी 1.4, यानी 2.8, कितना निकल जाएगा 2.2 सेंटीमीटर, सब कुछ निकल गया। वॉल्यूम निकाल देते हैं, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमीस्फीयर, या 2 यहाँ पे लिख सकती थी इनटू में, ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस हेमीस्फीयर, यानी 2 हो गया तो डबल तो हो ही गया, तो 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसका वैल्यू पुट करूँगी तो कितना आ जाएगा, 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 2.2 प्लस 4/3 इंटू 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4। सॉल्व करूँगी, ये 0.2 से कटेगा, मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आएगा, देखो इस दोनों को मल्टी
इस दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आ जाएगा, 4.4 इंटू 1.4 इंटू 2.2 प्लस। अब देखो इसको काटूँगी, ये भी 0.2 बार में कटेगा। अब मल्टीप्लाई करूँगी इसको, इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो 88 ये हो गया। 14 को मल्टीप्लाई करूँगी तो होता है 196, 196 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो आ जाएगा 392। लेकिन 1, 2, 3 नंबर बाद पॉइंट, तो यहाँ पे इंटू 0.3962 इतना आ जाएगा। अब बाई में 3 है, यह है ना बाई में 3, तो बाई में 3 इस पूरे को मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आ जाएगा, 13.552 प्लस। इस पूरे को मल्टीप्लाई करूँगी तो 34.496 बाई 3, यहाँ आ गया 13.552 प्लस, डिवाइड करूँगी तो 11.498, ऐड कर दूँगी तो 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ जाएगा एक गुलाब जामुन का, टोटल कितना गुलाब जामुन है 45। एक गुलाब जामुन कितना कितना वॉल्यूम ये कर रहा है, 30%। ठीक है, तो इसको कैसे लिखूँगी, लिख सकती हूँ, क्वेश्चन कह रहा है वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन क्या निकल जाएगा, 45 गुलाब जामुन का 30% ले रहा है किसका, एक गुलाब जामुन का, तो एक गुलाब जामुन का कितना दे दिया, 25.05। इसको सॉल्व करूँगी, देखो तो इसको सॉल्व करूँगी तो कैसे सॉल्व होगा, 45 इंटू 13% हटाऊँगी तो 100 इंटू 25.05, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल। अब उसके बाद इसको काटूँगी, देखो इसको अब मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आ जाएगा, 3.3818 चेक कर सकते हैं, ये सेंटीमीटर क्यूब में अप्रॉक्स में ही होगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3rd का। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4th की तरफ चल रही हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड विथ 4 कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन, यानी इस तरह का, इस फिगर में भी यहाँ पे दिया हुआ है, इस तरह का दिया हुआ है। देखो एक वुडन लकड़ी का क्या कहते हैं क्यूबॉइड है, ठीक है, उसमें ना इस तरह से पेन रखने वाला 4 होल दिया हुआ है जो कोनिकल शेप में है। तो बोल इसमें ना सबका डायमेंशन दिया हुआ है, क्यूब का क्या कहते हैं सब कुछ दिया हुआ है, लेंथ ब्रेथ हाइट डायमेंशन दिया हुआ है। लेंथ यानी एक ये वाला लेंथ हो जाएगा, ये ब्रेथ हो जाएगा और ये वाला हाइट हो जाएगा। उसके बाद जितना बीच में 4 होल है कोन शेप में उसका भी डायमेंशन दिया हुआ है, उसका दे दिया है रेडियस दे दिया है एंड उसकी डिप यानी हाइट दे दिया है, रेडियस 0.5 दे दिया है और हाइट 1.4 दे दिया है। ठीक है, तो उसके बाद क्या कह रहा है कि इस लकड़ी का वॉल्यूम निकालने के लिए, इस लकड़ी का क्या कर रहा है स्टैंड जो है उसका क्या कर रहा है निकालने के लिए, वॉल्यूम निकालने के लिए कह रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में एक वुडन दिया हुआ है, इस तरह का शेप है, ठीक है, इसमें 4 होल दिया हुआ है, ठीक है, वो मतलब कोन के शेप में इस तरह का ही है। तो अब डायमेंशन दे दिया है किसका, वुड का भी,
और इसका भी डायमेंशन दे दिया, सब कुछ दिया हुआ, लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ इसका भी, और इसका भी डायमीटर एंड हाइट दिया हुआ है। तो वॉल्यूम निकालना है तो डायरेक्ट निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम में से माइनस कर देंगे 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। चार कोन में होल किया गया है तो वो कोन के वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, माइनस कर देना पड़ेगा। तब देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का लेंथ ब्रेथ हाइट दे दिया है, कितना कितना दे दिया है, लेंथ एक 5 दे दिया था, एक 10 दे दिया था और एक 3.5 दे दिया। ये हो जाएगा माइनस 4 इंटू कोन का डायमेंशन, एक कोन का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आ जाएगा, ये 10 से ये 10 कैंसिल, 15 5 जै 75 5 कैरी 7 15 3 जै 45 45 में 7 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 52, कितना आ गया माइनस 4 इंटू 22 बाय 7 इंटू आर का वैल्यू कितना दे दिया है, डायमीटर इस क्वेश्चन में दिया हुआ था, कितना दिया हुआ है 0.5 और हाइट कितना दे दिया उसका, डिप यानी हाइट 1.4। यही क्वेश्चन है 10 आ गया 7 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 2 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से नहीं काटती हूँ, 2 ही रहने देती हूँ क्योंकि अब पूरा तो कटेगा ही नहीं इसलिए नहीं काटूँगी। तो यहाँ पे क्या आ गया 525 माइनस, ऊपर में कुछ नहीं है 2 और ये है तो 44, और भी कुछ बचा हुआ है एक मिनट, ठीक है। देखो ये कोन था ना, तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 भी आएगा, ठीक है, सब सही है। 44 नीचे में आ जाएगा 30, यही आएगा 525 माइनस इसको करूँगी तो कितना आ जाएगा, इसको करूँगी तो डिवाइड करूँगी 1.46, माइनस करूँगी तो कितना आ जाएगा 52 3.54, ही आएगा किसमें, सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही रहने देती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आऊँगी, आज के लिए इतना ही।